Don't forget to subscribe my channel and must press the bell icon to get all notification of new videos. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट विद महा मुजम्मिल। आज की जो वीडियो है वो एक मिनी कैनवस के ऊपर पेंटिंग है, जिसमें मैं उसका आपको पहले मटेरियल बताऊंगी। यहाँ पे है एक्रेलिक पेंट्स मैं यूज़ कर रही हूँ, प्लेन येलो कलर है और ब्राउन है, बर्नड अम्बर है, सॉरी ये बर्नड अम्बर। ये सारे जो आज मैं पेंट्स यूज़ कर रही हूँ वो एक्रेलिक पेंट्स हैं। तो एक्रेलिक पेंट के साथ जो है हम एक अपनी नई पेंटिंग बनाएंगे। वाइट कलर है, ब्लैक कलर है, ये क्रिम्सन कलर है, ये थोड़ा सा मतलब ब्राइट होता है, रेड से थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होता है। तो और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है, बहुत अच्छा इसके साथ जो है वो शेड बहुत अच्छा है। और ये येलो सॉरी ऑरेंज है, ये ऑयल पेंट है, ये मैं बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में यूज़ करूँगी और ताकि ऑयल में वो मिक्स हो जाए। और ये प्लेन रेड कलर है। उसके बाद ब्रशेज़ आ जाते हैं। ब्रशेज़ इसमें कौन कौन से यूज़ होंगे, तो कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल ब्रशेज़ नहीं है, नॉर्मल से ब्रशेज़ हैं जो आपको पहले भी मैं अपनी पेंटिंग्स के अंदर दिखा चुकी हूँ कि ये ब्रशेज़ जो है मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ। यहाँ पर मैंने बहुत ही बारीक जो है ब्रशेज़ लिए हैं ट्री ड्रॉ करने के लिए। एक इसमें से मेरा लाइनर ब्रश है और दूसरा जो है वो मैंने 0 नंबर का ब्रश लिया था आउटलाइन के लिए। उसके बाद राउंड ब्रशेज़ हैं, ये भी आई थिंक 2 और 3 नंबर था या 4 नंबर होगा। और उसके बाद फ्लैट ब्रशेज आ जाते हैं, ये तो जो मेरा फेवरेट ब्रश है एज़ यूजुअल आप लोगों को पता है। और ये इसके साथ थोड़ा सा उससे छोटा ब्रश है ब्लेंडिंग करने के लिए, जैसे जैसे जिस साइज़ की आपकी पेंटिंग है आप उसके लिहाज से अपने ब्रश का साइज़ भी ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और ये एंड पर ब्लेंडिंग के लिए है, या जब आप उसको ड्राई करते हैं तो उसको मर्ज करने के लिए ये मैं ब्रश यूज़ करती हूँ। उसके बाद वाइट चाइनीज़ वाइट पेंसिल है और हम एक्रेलिक पेंट पानी के साथ यूज़ होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपनी बाकी की जो है डिटेल्स बताऊँगी कि हम किस तरह से एक छोटा सा जो है वो पेंटिंग बना सकते हैं।